हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है अगले 7 दिनों में आपके साथ क्या हो सकता है, नेक्स्ट 7 डेज में आपके लिए क्या सिचुएशंस आ सकती हैं, और क्या चेंजेस आ सकते हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, हो सकता है कि आपके साथ एक्यूरेटली मैच करे, ये भी पॉसिबल है कि सिर्फ कुछ परसेंट रेजोनेट करे। तो आपको ओपन माइंडेड होकर ये रीडिंग सुनने की ज़रूरत है। ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिएगा। रीडिंग टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचेंगे, यह है आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुँचे हों, क्योंकि जो मैसेज आपको जब मिलना होता है वो आप तक तभी पहुंचता है। ओके व्यूअर्स, तो आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये आपके साथ तभी रेजोनेट कर सकती है। आइए चलिए देखते हैं कि अगले 7 दिनों में आपके साथ क्या हो सकता है, क्या प्रेडिक्शन है नेक्स्ट 7 डेज की आपके लिए, फिर चाहे आपका कोई भी ज़ोडियक साइन हो। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या बात है, आजकल स्वॉर्ड्स के कार्ड काफी आ रहे हैं। सो द एम्परर, नाइट ऑफ कप्स, सबसे पहले देखिए मुझे यहाँ पर जो नजर आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स, आने वाले अगले 7 दिन जो हैं वो थोड़े स्ट्रेस में रह सकते हैं आप। किसी बात की चिंता आपको सताएगी अगले 7 दिन, मुझे ऐसा लगता है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स दैट टेंशन भी बहुत होगी, स्ट्रेस भी बहुत होगा नेक्स्ट 7 डेज के लिए, और मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी लोग काफ़ी हैवी फील करेंगे। ओके, काफ़ी हैवी फील करेंगे, एनर्जेटिकली भी बहुत हैवी फील करेंगे, और हो सकता है थोड़ा हेडेक आपको बना रहे, सर दर्द जैसा आपको लगे, तो ये चिंता की वजह से, टेंशन की वजह से भी होगा। मुझे लगता है कि कोई आपको छोड़कर चला जाएगा, या कोई आपसे दूर जा रहा है, या कोई आपसे दूर चला गया है, चाहे वो कोई पर्सन हो या वो कोई अपॉर्चुनिटी हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसी बात की चिंता, इसी बात का डर और इसी बात का दुख सताएगा कि कोई अपॉर्चुनिटी आपसे छूट गई है, या कोई पर्सन आपको छोड़कर जा रहा है, किसी के साथ आप सेपरेशन में आ रहे हैं, यानी कि कोई आपके साथ कोई सेपरेशन ले रहा है, या कोई आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहा है, या दूर चला जाएगा, एंड यू नो अबाउट इट। और ये कोई भी हो सकता है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपका लव इंटरेस्ट हो, ये फैमिली मेंबर भी हो सकता है, ये क्लोज फ्रेंड भी हो सकता है, ये कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, करियर रिलेटेड अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको लगता है कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ये सच में कोई पर्सन भी हो सकता है, आपका लव इंटरेस्ट भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आपको कोई चिंता सता रही है, यस, या मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस बात का भी डर लग सकता है, या चिंता हो सकती है कि कोई मजबूरी ऐसी आ सकती है, कोई मजबूरी ऐसी आ सकती है, कोई परिस्थिति इतनी डिफिकल्ट बन सकती है जहाँ पर मजबूरन सेपरेशन हो जाए, या जहाँ पर मजबूरन, यानी कि मजबूरी ही ऐसी हो जाए कि वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाए, वो इंसान आपके आपसे दूर हो जाए। ओके, या डिस्टेंस आ जाए, या कोई छोड़कर चला जाए, ऐसा कुछ। लेकिन मुझे लगता है अगले 7 दिन आपको सुकून से
नींद मुश्किल से आएगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि आप रात के समय ज़्यादा ओवरथिंकिंग करेंगे, आप रात के समय ज़्यादा सोचेंगे, और रात के समय भी आपको ज़्यादा स्ट्रेस होगा, थोड़ी एंजाइटी या घबराहट भी हो सकती है। ओके, देखिए ये मैं इसीलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं एक नेगेटिव रीडिंग करना चाहती हूँ या मुझे कोई सुख मिल जाएगा आपको ये सारी बातें बोल के। ये तो डिपेंड करता है रीडिंग पर, कैसी एनर्जी है, कैसे कार्ड्स हैं और क्या पॉसिबिलिटीज हैं उनको देखकर, जो भी यहाँ पर आ रहा है, जैसे भी मैसेजेस चैनल हो रहे हैं, जैसे भी कार्ड्स आ रहे हैं, वो मुझे बोलना होता है। मैं ऐसे कार्ड कुछ और कह रहा है, मैं आपकी खुशी के लिए कुछ और कह दूँ, फिर ये तो शुगर कोटिंग वाली बात हो जाएगी, और अगर शुगर कोटिंग में कर दूँ उससे फ़ायदा क्या होगा? तो उससे फ़ायदा कुछ नहीं है, जो है सो मैं बता रही हूँ आपको। आपको ये ऐसे नहीं लेना है कि नेगेटिव होने वाला है क्या कुछ, या ये खराब होने वाला है, कुछ बिगड़ जाएगा क्या, ये नेगेटिवली नहीं लेना है। अगर आपको पहले से कोई मैसेज मिल रहा है तो आपको मेंटली इमोशनली खुद को प्रिपेयर करना है कि ठीक है चलो मुझे एक बार गाइड कर दिया गया है, अगर कुछ होता है तो हम फेस करेंगे, देखते हैं क्या होगा, वी विल हैंडल इट, और अगर नहीं होता तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो अगर पहले से कोई बात आपको गाइड की जाती है तो वो टेंशन के लिए नहीं, आपको प्रिपेयर करने के लिए भी होती है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली में किसी की तबीयत खराब है, ऑलरेडी खराब है अगर किसी की तबीयत, तो उनका ध्यान ज़्यादा रखिए। अगर कोई बच्चे हैं या ओल्ड एज पर्सन है, यानी कि सीनियर सिटीजन्स हैं, जैसे दादा दादी, या फिर छोटे बच्चे हैं जो बिल्कुल टीनेज में भी हो सकते हैं, 15 साल से कम के हैं और भी छोटे हैं, तो उन सब बच्चों का भी ज़्यादा ध्यान रखिए। छोटे बच्चे और जो ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं उनका ध्यान ज़्यादा रखिए। अगर उनकी हेल्थ ख़राब भी नहीं है पहले से, तब भी उनका ध्यान ज़्यादा रखिए। मैं इसीलिए नहीं कह रही कि कुछ चिंता की बात है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आपका स्ट्रेस इन चीज़ों से बढ़ सकता है। अगर ऐसा लगता है किसी की तबीयत अगर ख़राब हो जाती है, या अनएक्सपेक्टेडली सडनली तबीयत खराब किसी की होती है, तो आप चिंता में ज़्यादा आ सकते हैं, इसीलिए आपको पहले से ही ध्यान रखना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ट्रैवलिंग ऐसी हो सकती है अगले 7 दिनों में जो मजबूरन करनी पड़े, आपका मन ना हो करने का। मैंने कहा ना, कोई मजबूरी फंस सकती है कि आपको जाने का मन नहीं है पर आपको जाना पड़ेगा, आपको मन नहीं है कहीं जाने का या वहाँ जाने का, जाना पड़ेगा। या द बर्ड इज सेइंग समथिंग टू यू, या सो दिस इज अ मैसेज, दिस इज अ सिग्नल, द डॉग इज बार्किंग एंड द बर्ड इज ट्वीटिंग अलॉट, यू कैन सी, यू कैन हियर दिस, इट्स अ बर्ड आउटसाइड द रूम, आउटसाइड द रूम, आउटसाइड द हाउस, इट्स अ बर्ड। ओके, एंड यहाँ पर ऐसा लगता है जो भी हो रहा है, जो भी मैसेजेस मैं आपको चैनल कर रही हूँ, वट एवर हैपन्स इन द रीडिंग, इट इज़ अ पार्ट ऑफ रीडिंग। रीडिंग में जो भी हो रहा है वो रीडिंग का ही पार्ट है। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है ये और ज़्यादा इसके ऊपर एक कन्फर्मेशन दे दी गई है कि आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का, और अगले 7 दिन में स्ट्रेस भी हो सकता है, प्रिपेयर भी रहना है और उसे हैंडल भी करना है ब्रेवरी के साथ। ओके, यस, कहीं जाना भी पड़ सकता है, तो ये भी हो सकता है कि अगर आप कहीं गए तो आप, जैसे आप कहीं चले गए हैं तो, लेकिन आपका मन कहीं और लगा रहेगा, और जहां आपका मन लगा रहेगा वहां की आपको चिंता होती रहेगी। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को छोड़कर कहीं जाते हैं थोड़ी देर के लिए, तो उनका मन घर में ही लगा रहता है, बच्चे क्या कर रहे होंगे, खाना खाते होंगे कि नहीं, उधम तो नहीं करेंगे ज़्यादा, शैतानी तो नहीं करेंगे, चोट ना लगा ले कोई अपने, तो मन घर में ही लगा रहता है। ऐसे मुझे लग रहा है अगर मजबूरन कहीं आपको जाना भी पड़ेगा तो आपका मन कहीं और लगा होगा। यस, तो मुझे लगता है व्यूवर्स यहाँ पर थोड़ी सी, मुझे लगता है यहाँ पर कार्मिक सिचुएशंस अगले 7 दिनों के लिए आप पर थोड़ी सी हावी रह सकती हैं, और अगर आप ये 7 डेज पेशेंस के साथ, कामनेस के साथ, और स्टेबिलिटी के साथ, यानी मन की स्थिरता के साथ ये 7 दिन अगर आप हैंडल करेंगे, तो मुझे लगता है आगे इतनी प्रॉब्लम नहीं भी होगी। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स,
कि अगले 7 दिनों में कुछ ऐसा भी हो सकता है दैट समवन हु इज वेरी एरोगेंट, समवन हु इज ऑन द हायर पोजिशन, कोई ऐसा जो एरोगेंट है, थोड़ा डोमिनेटिंग है, ईगोइस्टिक है, ओके, थोड़ा कंट्रोलिंग है, और यू नो एक हायर पोजिशन पर है, या हायर रेपुटेशन है उसकी, या यू नो उसकी इमेज ज़्यादा यू नो अच्छी है, अच्छी का मतलब ज़्यादा एक हायर पोजिशन पर है कोई ऐसा इंसान जो उम्र में भी बड़ा हो सकता है. मुझे लगता है कि ऐसे किसी इंसान की वजह से भी आपकी लाइफ में चीजें स्लो हो सकती हैं. स्लो ऐसा लगता है कि किसी कोई ऐसा इंसान जो उम्र में आपसे बड़ा है, पोजीशन में आपसे बड़ा है, सीनियर भी हो सकता है, बुजुर्ग भी. बुजुर्ग का मतलब ये नहीं एकदम कोई बूढ़े हैं, लेकिन बुजुर्ग नहीं, मतलब एक एजेड इंसान हो सकता है जिसकी उम्र आपसे ज्यादा है, सिर्फ इतना, और जो थोड़ा सा डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग और थोड़ा सा ईगोइस्टिक है. ऐसे किसी इंसान की वजह से आपके काम जो करना चाहते हैं आप, उसकी गति थोड़ी धीमी हो सकती है. ये इंसान आपकी लाइफ में कुछ होने से रोक तो नहीं सकता, लेकिन हाँ, चीजों को डिले करवा के इस प्रोसेस को स्लो जरूर कर सकता है. मैं आगे और देखना चाहूंगी. मुझे ऐसा लगता है अगले 7 दिनों में कोई ऐसा इंसान आपसे ज्यादा बात करने की कोशिश करेगा, जिसके साथ आपकी नई नई दोस्ती हुई है, या नए नए आप सोशल मीडिया पर उनसे मिले हैं, बात करने लगे हैं, या फिर ये इंसान इतना नया नहीं है आपकी लाइफ में, लेकिन इस इंसान के साथ कोई गहरा रिश्ता भी नहीं बना है आपका. है, लेकिन नॉर्मल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन और बातचीत हो सकती है. तो ये इंसान ऐसा लगता है मुझे कि आपके ज़्यादा करीब होने की कोशिश करेगा अगले 7 दिनों में. आपको ये नहीं सोचना है कि ये आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है तो ये सीरियस है. आपको ये नहीं सोचना है कि ये आपसे ज़्यादा बात कर रहा है, आपके क्लोज होने की कोशिश कर रहा है या कर रही हैं तो ये आपको पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है. वो सिर्फ अपना मन बहला रहे हैं या बहला रही हैं, टाइम पास जिसे कहते हैं, और एक तरह से इंजॉय करना चाहते हैं, ओके, और ये भी लगता है कि फ्लर्ट करना चाहते हैं. तो फ्लर्टिंग हो सकती है और टाइम पास हो सकता है, तो इस वजह से ये इंसान आपको ज़्यादा अटेंशन देना स्टार्ट कर सकता है. लेकिन आपको ना सीरियसली नहीं लेना है ये सब. अगर आपको ये अटेंशन पसंद है तो इस अटेंशन को आप इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन ये अटेंशन जो आपको मिल रही है वो सीरियस नहीं है, ये बहुत टेम्प्रेरी है, बहुत ही यू नो टेम्प्रेरी, या दैट्स द वर्ड, टेम्प्रेरी है और बेसलेस है. इसमें कुछ आधार नहीं है, कुछ स्ट्रांग नहीं है फाउंडेशनली. तो आप ध्यान रखना कि कोई इंसान जो आपको न्यू कोई अप्रोच कर रहा है, फ्लर्ट कर रहा है, ज़्यादा क्लोज हो रहा है, दूर रहना, कार्मिक सिचुएशंस बन जाएंगी. ऐसे लोग टेंशन बढ़ा सकते हैं लाइफ में. और अगर कोई नया नहीं है, पहले से जानते हैं, लेकिन कोई बहुत गहरा रिश्ता नहीं था इस इंसान के साथ, ओके, कोई रिलेशनशिप नहीं बना था आपका ऐसे व्यक्ति के साथ, फिर भी मैं कहूँगी कि ऐसे इंसान को सीरियसली ज़्यादा मत लेना, ठीक है. यस, मुझे ऐसा ही लगता है. यहाँ पर व्यूअर्स, मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें नेक्स्ट 7 डेज में जो आपको लगता है हो जानी चाहिए वो नहीं होंगी, क्योंकि उनकी जो स्पीड है थोड़ी स्लो हो जाएगी. मुझे लगता है आप आगे तो बढ़ोगे, लेकिन थोड़ा स्लो हो जाएगा प्रोसेस, लेकिन ज़्यादा लंबे समय की बात नहीं है, ये नेक्स्ट 7 डेज के लिए ही है. मुझे लगता है कि आपकी इंट्यूशन भी आपको गाइड कर रही है इन चीज़ों के लिए कि नेक्स्ट 7 डेज थोड़े से नेगेटिव या थोड़े से स्ट्रेसफुल हो सकते हैं.
आपको कॉन्फिडेंस इश्यूज भी होंगे अगले 7 दिनों में। कॉन्फिडेंस भी आपका थोड़ा डाउन हो सकता है। कॉन्फिडेंस डाउन होगा उसकी चिंता मत कीजिए, लेकिन इमोशनल स्टेबिलिटी को मेंटेन कीजिएगा। कॉन्फिडेंस वापस आप गेन कर लेंगे, लेकिन इमोशनल स्टेबिलिटी को मेंटेन कीजिएगा, मेंटल पीस को मेंटेन करने की ज़्यादा कोशिश कीजिएगा। मुझे लगता है आपकी इंट्यूशन भी आपको काफ़ी कुछ गाइड करने की कोशिश कर रही है। अपनी इंट्यूशन पर ध्यान दीजिए और ज़्यादा लोगों के साथ सब कुछ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। डू नॉट शेयर एनीथिंग और एवरीथिंग विद पीपल अराउंड। बिल्कुल शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अपने मन की हालत, अपनी असली सिचुएशन, अपना सुख दुख जो भी है आपके मन में, वो आपको दूसरों को शेयर नहीं करना है। ऐसा मत सोचिए कि इसका मतलब ये है तो क्या मन में रख रख के, अपने मन में रख रख के अपना अपना दिल भी हल्का ना करूँ किसी को बता के। देखिए, दिल हल्का करना, हमको लगता है ये हमने किसी को बता दिया दिल हल्का हो गया, लेकिन उससे दिल हल्का नहीं होता है, ना ही उससे प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अगर किसी ऐसे इंसान को आप बता रहे हैं जो बहुत आपके करीब है, बहुत आपका अपना है, तो ठीक है, एक बार के लिए चलता है। जैसे पेरेंट्स हैं, ओके, पेरेंट्स के आगे चलता है, पेरेंट्स को बताएंगे तो वो सच में आपके लिए अच्छा सोचेंगे। लेकिन ज़्यादा किसी को, फ्रेंड्स को शेयर करना, हर किसी को शेयर कर देना, ये मत कीजिएगा, ठीक है? या मुझे लगता है थोड़ा सा आपका प्लान क्या है, आप सोचते क्या हो, फील क्या कर रहे हो, ये लोगों को आप ज़्यादा बताइए मत। यस, और थोड़ा ना अगले 7 दिनों के लिए इमोशंस को थोड़ा बैलेंस करके रखना होगा, क्योंकि इमोशनल ज़्यादा हो सकते हैं आप। थोड़ा टेंशन आएगा, स्ट्रेस में आएंगे, थोड़ा सा कुछ देखेंगे अनस्टेबल, तो इमोशनली हर्ट हो जाएंगे। इसीलिए थोड़ा इमोशंस को बैलेंस करके रखिए। ये टाइम देखते देखते 7 दिन तो यूँ निकल जाते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूँ व्यूअर्स, जिन लोगों को ये बात समझ नहीं आती है वो लोग ये बात ना सुने ना समझें, कोई बात नहीं। लेकिन जो एक लॉयल मेरे सब्सक्राइबर्स है, व्यूअर्स है, जो एक फैमिली बन चुके हैं, जिनको समझ में आता है कि मैं अगर कोई बात रीडिंग में कह रही हूँ तो मैं यूँ ही नहीं कह रही हूँ। एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कि इस वक्त, या मैं कहूँ एक समय ऐसा आ गया है कि अर्थ की जो वाइब्रेशन है वो बहुत लो है। आप मौसम को देख सकते हैं, लोग सोच रहे हैं कभी मौसम पल पल में बदल रहा है तो ये एक क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। वेल, डेफिनेटली ये क्लाइमेट चेंज की वजह से ही होता है, लेकिन मौसम का पल पल बदल जाना और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बोल रही हूँ ज़्यादा कुछ, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ इन शॉर्ट कि अर्थ की जो वाइब्रेशन है वो बहुत लो हो चुकी है। जो लोग थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे, स्पिरिचुअलिटी, डिविनिटी और अच्छे जो कर्म होते हैं उनको करेंगे और ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे लाइफ में, मुझे लगता है उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा। उन लोगों के लिए ग्रोथ होगी, चाहे ग्रोथ ग्रेजुअल हो, स्लो हो, लेकिन ग्रोथ होगी। लेकिन जो लोग गलत कर रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ और कर रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम होगा। और आप सोचेंगे, मैम आपने ये क्या बात बता दी, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो गलत करेगा उसके साथ गलत होगा, जो अच्छा करेगा उसके साथ अच्छा होगा। बट ये समय ऐसा है कि आप बहुत कुछ धीरे धीरे देखेंगे आगे। मैं बस इतना ही कहूँगी आपको कि अर्थ की एनर्जी बहुत लो हो चुकी है और धीरे धीरे आपको और भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस अपनी लाइफ में नहीं तो कहीं बाहर देखने को मिलेंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा दैट समथिंग इज हैपनिंग। ओके, समथिंग इज हैपनिंग विच इज़ नॉट दैट गुड, विच इज़ नॉट दैट हैप्पी। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा अपने आप को स्पिरिचुअल बनाइए। ये जो सब कुछ बदल रहा है, ये मैं कहूँगी तूफान से पहले की शांति है। तो आप लोग अपने आप को स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनाइए और डिविनिटी की तरफ ज़्यादा अपना झुकाव कीजिए।
मैं इसीलिए नहीं कह रही कि आपको कोई टेंशन हो या स्ट्रेस हो, बस मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल रहें। और स्पिरिचुअल का मतलब हर तरह, अब ये भी नहीं है कि स्पिरिचुअल का मतलब आपको सिर्फ मेडिटेट करने के लिए कह रही हूँ, कई लोग ऐसा समझ लेते हैं। जिसको ये पार्ट नहीं सुनना है वो ये पार्ट स्किप कर दे, बिकॉज येस दिस पार्ट इज़ नॉट फॉर एवरीवन। जिन लोगों को ऐसा कुछ अनुभव हो रहा है, जिन लोगों को सेंस हो रहा है, डाउट हो रहा है कि क्या हो रहा है, समथिंग इज चेंजिंग, ये उनके लिए है। जिनको सुनकर ही लगेगा कि ये बात क्यों कर रही हो, क्या बोल रही हो, तो वो पार्ट स्किप कर दें। मैं भी नहीं चाहती आपका समय व्यर्थ हो, तो मैं बोल रही हूँ काफ़ी लोगों को अनुभव होगा और होने लगा होगा, और एक अननोन फियर काफ़ी लोगों को फील होगा कि पता नहीं डर किस बात का, लेकिन अंदर से डर लग रहा है कुछ। या फिर ऐसा भी हो सकता है जैसे आप अपने आसपास बहुत कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा आपको सिर्फ मेडिटेशन की बात नहीं है, अपने कर्मों पर ज़्यादा ध्यान देना है, किसी को सताना नहीं है, करुणा रखनी है मन में, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करनी है लोगों के। ये समय ऐसा नहीं है व्यूअर्स कि आप सिर्फ अपने बारे में सोचें। जितना ज़्यादा आप अपने बारे में सिर्फ सोचेंगे, यानी कि सेल्फिश होने की बात कर रही हूँ, जितना सेल्फिश होकर हम सोचेंगे उतना ही बुरा आउटकम होगा। तो मुझे लगता है यहाँ पर कि अर्थ की वाइब्रेशन बहुत लो है, और ये आने वाले समय में धीरे धीरे हम सब देखेंगे, क्योंकि अर्थ के ही हैं हम सारे। तो जितना हो सके स्पिरिचुअल रहने की कोशिश कीजिए, और थोड़ा ईश्वर में ध्यान लगाना स्टार्ट कर दीजिए। और आपने देखा भी होगा एक स्पिरिचुअलिटी की वेव आई है, बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल हो रहे हैं, चाहे उन्हें समझ आता है नहीं आता है, जैसा उनसे बन पाता है वैसे स्पिरिचुअल प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। परफेक्ट कोई नहीं होता है, लेकिन सब प्रयास कर रहे हैं, उस तरफ जा रहे हैं। देयर इज़ अ मीनिंग बिहाइंड इट, उनकी कॉन्शियसनेस, उनकी इंट्यूशन उनको उस तरफ ले जा रही है, बिकॉज दिस इज़ द राइट टाइम। अगर अब नहीं गए, सम पीपल विल पे फॉर इट, एंड वो कोई भी हो, वो लोग कोई भी हों, नेचर हैज इट्स वेज टू हैंडल थिंग्स। ओके, तो ये जो मैसेज था वो सिर्फ कुछ लोगों के लिए था, सबके लिए नहीं था। तो ये मत सोचिएगा कि मैंने क्या डराने की कोशिश की है, ये सब नहीं है। मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि स्पिरिचुअलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि कोई आपसे बात भी कर सकता है अगले 7 दिनों में। ओके, अगले 7 दिनों में कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी से, और कोई आपसे बहुत कुछ शेयर करेगा। आप किसी से शेयर करें ना करें, लेकिन मुझे लगता है कोई आपसे आके बातें कर सकता है। आई कैन सी कम्युनिकेशन, समवन इज कॉलिंग यू, समवन इज कमिंग टू यू और टेक्स्टिंग यू, पर कोई आपसे बातें कर रहा है। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूअर्स कि थोड़ा ना आपको ऐसा मेंटेन करके रखना है अगले 7 दिनों में कि एक डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, ये मेंटेन करके रखना है आपको। मुझे लगता है नेक्स्ट 7 डेज में आपको थोड़ा जिद्दी बिल्कुल नहीं होना, लाइक थोड़ा ध्यान रखिए इस बात का, किसी भी चीज़ की जिद मत पकड़िएगा कि मुझे चाहिए ही चाहिए, ऐसा होना ही चाहिए, वैसा होना ही चाहिए। डोंट बी स्टबर्न फॉर थिंग्स, ओके, जिद्दी बनने की कोशिश मत कीजिएगा, नेचुरली होने दीजिए थिंग, लेट द थिंग्स हैपन नेचुरली, और ज़बरदस्ती या जिद से कुछ करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि अच्छा नहीं होगा। और मुझे लगता है यहाँ पे कि जिद कम करनी है, ईगो भी कम करना है, और कॉन्फ्लिक्ट में तो किसी से भूल कर भी नहीं पड़ना। कोई सामने से आकर भी बुरा बोलकर झगड़ा करना चाहे तो बोलना, भाई साहब आप बिल्कुल सही हैं, मुझे कीजिए माफ़, मुझे जाने दीजिए। पढ़ना ही नहीं है कॉन्फ्लिक्ट में, चाहे आप स्ट्रांग हैं उस पर्सन से, चाहे आप पावरफुल हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना है। चाहे आप जवाब दे सकते हैं, चाहे आप अच्छे से फाइट भी दे सकते हैं, लेकिन उस समय नहीं करना है। नेक्स्ट 7 डेज, तो क्या मैं कहूँगी, आने वाले काफ़ी सारे महीनों के लिए आप लोग कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड कीजिए। आसपास अगर लड़ भी रहे ना, नेबर्स भी अगर आसपास लड़ रहे हैं,
और अगर आपसे कुछ बोलने का कहा जाता है तो भी शांति वाली बात कीजिए कि कोई बात नहीं, ओके। या फिर आपस में फ्रेंड्स भी लड़ रहे हैं तो भी समझाओ के लड़ो मत, खत्म करो बात को, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगता है कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी बनेंगी, सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं कि जो लोग देख रहे हैं, ये ओवरऑल बात मैं कह रही हूँ, ओके। तो नेक्स्ट 7 डेज मुझे लगता है थोड़ा सा ऐसा रहने वाला है, ओके व्यूअर्स। तो ये बात है यहाँ पर, यस। टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, मैं आपके लिए गाइडेंस ले लेती हूँ, मैसेज लेते हैं आपके लिए फॉर नेक्स्ट 7 डेज, आपको स्पिरिट्स क्या गाइड करेंगे देखते हैं। आई नीड वन कार्ड, हाई प्रिस्टेस का कार्ड ये रहा और हाई प्रीस्ट का कार्ड ये रहा। व्यूअर्स, आप एक अच्छे मैनिफेस्टर हैं, आप जो चाहते हैं वो अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आपका इंटेंशन और फोकस क्लियर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है आपके ड्रीम्स में आपको काफ़ी सारे साइंस और मैसेजेस मिल जाएंगे आपकी करंट सिचुएशन को लेकर, इसीलिए अपने ड्रीम्स पर भी फोकस कीजिएगा। मुझे लगता है स्पिरिट्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है ज्यादा, ओके। आपके एंसेस्टर स्पिरिट्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको डरने की जरूरत भी नहीं है और खुद आपको सामने से जाकर कॉन्फ्लिक्ट में पड़ने की जरूरत भी नहीं है। तो व्यूअर्स, ये थी रीडिंग, आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है, रिलेटेबल रही है, इस रीडिंग ने आपको थोड़ा बहुत गाइड किया है। अगर थोड़ी भी हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।